चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। कक्षा 12 के लिए आज मैं जीवन परिचय लेकर आया हूँ, वो भी आसानी से। और दोस्तों, कुछ पॉइंट में ही आप गजानन माधव मुक्तिबोध जी का जीवन परिचय लिख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है इनका जन्म। तो दोस्तों, इनका जो जन्म है वो दोस्तों 13 नवंबर सन 1917 को हुआ था। दोस्तों, इनका जो जन्म स्थान है वो है सयोपुर। सयोपुर में दोस्तों जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। तो ये दोस्तों हो गया इनका जन्म स्थान। फिर आता है दोस्तों इनकी प्रमुख रचनाएं। दोस्तों, प्रमुख रचनाएं में इनकी हैं कविता संग्रह, और दोस्तों कविता संग्रह में है चांद का मुंह है टेढ़ा। क्या है दोस्तों, आपको पता है बारे में जो पढ़ते हैं, चांद का मुंह है टेढ़ा 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 है, चांद का मुंह टेढ़ा है। और फिर दोस्तों दूसरा है बुरी 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 खाक धूल, बुरी बुरी खाक धूल, ये दोस्तों दूसरा हो गया। फिर आता है दोस्तों कथा साहित्य। तो दोस्तों, कथा साहित्य में इनका काट का सपना। फिर आता है दोस्तों विपात्र। फिर है दोस्तों सत्य से उठता आदमी, सत्य से उठता आदमी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो में लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, फिर आती है इनकी आलोचना। आलोचना में आता है दोस्तों कामायनी एक पुनर्विचार। कामायनी एक पुनर्विचार। फिर है दोस्तों इनका नई कविता का आत्मसंघर्ष। फिर है दोस्तों नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। फिर है दोस्तों अब आखिर रचना क्यों, आखिर रचना क्यों नाम से समीक्षा की समस्याएं, ये हो गया। फिर दोस्तों एक साहित्य की डायरी, ये तो होगी दोस्तों आलोचना। फिर दोस्तों इनका जो लास्ट पॉइंट है वो है इनकी निधन। तो दोस्तों, इनका जो निधन है वो 11 सितंबर सन 1964 नई दिल्ली में इनका निधन हुआ था।